हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक एमएससी 103 का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में 4 बार रिपीट हुआ है और आप इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी मत डरिए, इतना हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। ठीक है, आप बस मेरी वीडियोज़ फॉलो करते जाइए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिए कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स है और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में और 20 और 12 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स हो गए? 32 मार्क्स तो यहीं से हो गए आपके। अब आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स में आया हुआ है। क्या निकालना है हमें इसमें? मीन और वेरियंस निकालना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है किसका? एक्स का। ठीक है, तो ये आउटकम्स और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको। चलिए पहले हम क्या निकालते हैं? मीन। ठीक है, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू होता है ये। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा पी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है एक्स की और जो हम एक्स से रखा है उसकी क्या कर देनी है? इंटू, और फिर उनको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। ठीक है, चलिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स और पी एक्स की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनका क्या कर देंगे? टोटल। तो यहाँ आपका पी एक्स और एक्स का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। एक्स आपको क्या क्या दे रखा है? 0, 1, 2, 3, 4। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी? 0.2, 0.2, 0.1, 0.3 एंड 0.2। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं, 0 से इंटू 0 हो गया, 1 से इंटू 0.2 आ गया, 2 से इंटू 0.2 आ गया, 3 इंटू 0.9 आ गया। ठीक है, 4 इंटू 2 0.2 कितना हो गया? 0.8। अब हमें इन सबका क्या करना है? टोटल करना है। ठीक है, कितना हो गया ये? 8 और 2 कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 हो गया 19, 19 और 2 कितने हो गए? 21। तो 1 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना आ गया? 2.1। ठीक है, कितना आ गया आपका टोटल? सिग्मा पी एक्स एक्स कितना आ गया आपका? 2.1 आ गया। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेरिएंस निकालना है। हमारा मीन तो आ चुका है, अब वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेरिएंस निकालना है हमें एक्स का। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस सिग्मा पी एक्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है, जो हमारी मीन से वैल्यू आई है उसको हमें क्या कर देना है? स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसकी किससे इंटू करनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से हमें क्या करनी है? इंटू करनी है। चलिए करते हैं। तो क्या दे रखा है हमें एक्स? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हमें क्या करना है? एक्स का स्क्वायर करना है। 0 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? पी एक्स से करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.2, 0.2, 0.1, 0.3, 0.2। अब हमें इनकी क्या कर देनी है? इंटू कर देनी है। किस किस की? एक्स स्क्वायर की और पी एक्स की, दोनों की इंटू कर देनी है। कितना आ गया? अब आपको इन दोनों की इंटू करनी है। ठीक है, इनकी इंटू करनी है, प्रोडक्ट करना है। 0 हो गया, 0.2, ये कितना आ गया? 0.4, ये आ गया आपका 2.7, ये कितना आ गया? 16 × 32, तो ये कितना हो गया आपका? 3.2। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे? सिग्मा करना, प्लस करना, सम करना है इनका, तो कितना आ गया? और ये कितना आता है हमारा? सिग्मा पी एक्स पी एक्स 2.1 होल स्क्वायर करना है। ये कितना आ गया आपका? 6.5। 2.1 × 2.1 कितना होगा? 4.41। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है? इनका माइनस कर देना,
तो माइनस कर भी कितना आएगा ये 6.5 में से हमें क्या माइनस करना है 4.41, ठीक है। तो ज़ीरो हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 9, हो गया ज़ीरो, यहाँ कितना हो गया 6 में से 4 गया, ठीक है 2.09। तो कितना आ गया आपका 2.09 आपका क्या आ गया वेरियंस आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।